बुलंदशहर में गौकशी की घटना से सबक लेते हुए शामली जनपद के डीएमएसपी ने कैराना में चल रहे अवैध बूचड़खाने पर छापेमारी की। पुलिस बल को आता देखकर आरोपी वहां से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने वहां से बड़ी मात्रा में पशुओं कटान के अवशेष बरामद किए हैं। घोर लापरवाही मिलने पर एसपी ने हल्का इंचार्ज और चौकी के हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है, जबकि सीओ और इंस्पेक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। शामली जनपद के डीएम अखिलेश सिंह और एसपी अजय कुमार ने शुक्रवार दोपहर में कैराना कस्बे के जहानपुरा रोड पर अवैध बूचड़खाने पर छापेमारी की। पुलिस की सूचना मिलने पर आरोपी अंदर से ताले लगाकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने छापेमारी की तो बूचड़खाने से बड़ी मात्रा में पशुओं के अवशेष बरामद हुए, जिस पर डीएम एसपी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। एसपी ने हल्का दरोगा बाबूराम और संबंधित चौकी इमाम गेट के हेड कांस्टेबल जोगेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं सीओ राजेश कुमार तिवारी और कोतवाली प्रभारी भगवत सिंह से स्पष्टीकरण मांगा है। जिस भूमि पर अवैध बूचड़खाना संचालित था, उसके मालिक और अन्य आरोपियों को चिन्हित कर नामजद कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आपने यहाँ पे कुछ अवैध कटान के जो है प्लांट चले हुए थे लोकल में, क्या मामला हुआ? नहीं देखिए, आज हम लोगों ने हमने और कप्तान साहब ने यहाँ आकस्मिक निरीक्षण किया है, और निरीक्षण करने में यहाँ पर 2-3 जगहों पर बिना परमिशन के और बिना लाइसेंस के कुछ जानवर कटते हुए पाए गए हैं, खासतौर से भैंसें जो है। तो इसमें हम लोग जो कानूनी कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई कराएंगे, और जो भी जिनके भी प्रेमिसेज हैं, जिनके आते हैं और जिन लोगों के नाम इसमें जो है प्रकाश में आए हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ये हल्का दरोगा के भी कोई संलिप्तता है? जैसे ये इसमें भी जांच करेंगे, इस बिंदु पर भी हम लोग जांच कराएंगे, क्योंकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर शासन तक हर जगह हर तरफ से ये निर्देश है कि किसी भी तरह से अनधिकृत रूप से कोई इस तरीके का काम ना हो। जिसको भी काम करना है लाइसेंस ले, और जो पशुवधशाला इसके लिए नियत है वहीं पर ये कटान का काम हो। तो इस तरीके से ये तो गंभीर प्रकरण है, और इसमें हम लोग इस बिंदु पर भी जांच कराएंगे, और जांच कराने के बाद इसमें नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी।